mechanism of development the nuclear equivalence first the contents rocks weismann hypothesis hence dries discovery and hence discovery so first the rocks weismann hypothesis before the start of modern research or the modern technology द साइंटिस्ट वॉज दैट द डिवेल्पमेंटल प्रोसेस इट टेक प्लेस एज द एम्बरू डिड्स आन आर आर दी जाइोट इज बिंग डिवाइड इंटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स यानी कि इसमें जो शुरू के साइंटिस्ट था उनका यह था कि जैसे जैसे डिवेलपमेंटल जो जयगो डिवाइड करे तो डिफरेंट टाइप्स सेल्स जो है वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन जो है बनाएंगे बट द क्वेश्चन वॉज कि एक जयगो डिवाइड होकर मल्टीपल सेल्स बना रहा है वो सारे सेल्स सेल्स अगर एक जैसे हैं तो फिर वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स कैसे बना सकते हैं दिस वॉज अ क्वेश्चन इन नाइनटीन सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी के अंदर साइंटिस्ट के पास दिस वॉज अ मेजर क्वेश्चन कि हाउ द सेल्स विच आर डिराइव फ्राम सिंगल जाइगोट जो सिंगल जाइगोट से ड्राइव होने वाले जो सेल्स हैं हाउ दे आर कैपेबल टू फॉर्म डिफरेंट बॉडी ऑर्गन कि वो सेल तो एक जैसे हैं तो फिर वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स कैसे बनाते हैं अब इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थीरीज जो हमें पेश की उसमें एक जो इंपॉर्टेंट हाइपोसिस था दैज ऑफ द रॉक्स वेजमैन रॉक्स एंड वेजमैन दे आर थ्रू जर्मन साइंटिस्ट बेसिकली एम्ब्रियोलॉजिस्ट दे गिव द आइडिया दैट एज द एम्बरू कीप ऑन डिवाइडिंग डिफरेंट सेल्स रिसीव डिफरेंट पार्ट ऑफ जीनोम मीन्स जैसे ही सेल डिवाइड करता है तो सेल का जीनोम क्या करेगा फ्रेगमेंस में कन्वर्ट हो जाता है एक पीस जीनोम का एक सेल को मिलेगा दूसरा पीस दूसरे सेल को मिलेगा तो जीनोम का जोन सा पीस जिस सेल को मिलेगा वो फ्यूचर में वही ऑर्गन जो है वो डिवेल्प करवा देगा तो दिस वॉज द इनिशियली जो है कि हाईपॉथस थे कि जिनोम जो है वो स्प्लिट हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो इस तरह से साइंटिस्ट के अंदर ये कंसेप्ट था कि अब चूंकि सेल तो सारे के सारे एक जैसे हैं लेकिन उनमें से जिनोम जो है वो स्प्लिट कर रहा है जिनोम फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में कि कुछ सेल्स हैं उनको एक फ्रेग मिल रहा है कुछ को दूसरा फ्रेगमेंट मिल रहा है किसी को तीसरा फ्रेगमेंट मिल रहा है इससे जिनोम की ब्रेकेज से जोन सा पार्ट जिसको मिलेगा वही आगे वो चीज में डेवलप हो जाएगा देन 1892 19 सेंचुरी के एंड के करीब जाकर एक सामने ने एक नई डिस्कवरी की ही नोटिस डैट इफ सी अर्चन जाई वेन इट इज एट टू सेल्स टेज इफ द बोथ सेल्स बोथ ब्लास्टोमी दे आर सेपरेटेड फ्राम इच अदर दे आर कैपेबल टू ग्रो इन टू टू नॉर्मल इंडिविजुअल्स यानी क्या था कि हैंस्ट ड्राइस ने नाइनटीन एटीन नाइनटी टू में एक एक्सपेरिमेंट किया उसने क्या कि अगर हम सी अर्चन जो है जब इसका फर्टिलाइजोट जैसे ही डिवाइड करके दो इसमें दो सेल्स बनाएगा अब इन दोनों सेल्स को अगर हम अलग कर दें तो वो दोनों सेल्स दो नए सी अर्चन के लारवी में कन्वर्ट हो जाते हैं अब ये कंसेप्ट कि जैसे ही सेल डिवाइड होगा आधा जिनोम एक को मिलेगा आधा जिनोम दूसरे का मिलेगा तो ये तो यहाँ आकर एबॉलिश हो गया क्यों क्योंकि अगर वो कंसेप्ट ठीक था तो जरा जो दोनों सेल्स हैं उनको आधा आधा लार्वी बनाना चाहिए थे आधे आर्गन एक लार्वी में बनने चाहिए थे आधे आर्गन दूसरे लार्वी में बनने चाहिए थे लेकिन दोनों लार्वी नॉर्मल इंडिविजुअल्स में यानी दोनों जो एम्ब्रियो हैं वो आगे जाकर नॉर्मल लार्वी में कन्वर्ट हो गए उनसे दो सी एरचन बन गए तो इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट था कि डेवलपमेंट के दौरान जीनोम के डिफरेंट फ्रेगमेंट डिफरेंट सेल्स को मिलते हैं ये यह यहाँ कर फिनिश हो गया इसका जाओ विच मीन्स जितने भी सेल्स होंगे उनको सबको को जिनोम एक जैसा ही मिलेगा यानी जिनोम जब वो डिवाइड नहीं होगा दिस वॉज दू कंक्लूजन ऑफ द हैंड्स ड्राइक्स एक्सपेरिमेंट्स लेटर अब इसके बाद एक और हमारे पास जब वो हैंड्स पे मैन के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो डिवेलपमेंटल जब मैकेनिज्म को समझने के लिए किए गए हैं हैंड्स भी मैंने जो सबसे स्ट्राइकिंग एक्सपेरिमेंट था उसका दैट वॉज ही टूक द सेलेमेंडर फर्टिलाइज एग बट सेलेमेंडर का फर्टिलाइज एग उसने लिया जाइगोट यानी कि फर्टिलाइज एग इज द उसके बाद उसने एक एक हेयर जो है दाइगेचर लगाई और उसको दो हिस्सों में जो वो पिंच कर दिया जाइगोट को दरम्यान से बांध दिया इस तरह से कि कियगोट जो है सिंगल सेल का आधा साइड एक तरफ आधी साइड दूसरी तरफ अब उसने इस गिरा को जो है वो लगाकर उसको फिर दोबारा मीडियम के अंदर रख दिया उसने देखा कि जिस साइड के ऊपर न्यूक्लियस था वो वाला हाफ आसा सेल डिवीजन स्टार्ट कर देता है जबकि वो साइड जिसके ऊपर न्यूक्लियस नहीं था वहाँ सेल डिवीजन नहीं होती है अल्टीमेटली जब वो हाफ जहाँ सेल डिवीजन हो रही है जहाँ पहले न्यूक्लियस मौजूद था वैन इट रीच टू दिक्सटीन सेल स्टेज जब ये सिक्सटीन सेल स्टेज के ऊपर पहुँचता है तो फिर यहाँ से एक न्यूक्लियस एस्केप करके उस सेल तरफ चला जाता है जहाँ न्यूक्लियस नहीं था पहले ए न्यूक्टेड साइड थी जो जैसे न्यूक्लियस दूसरी तरफ जाएगा दूसरी से वाली साइड भी क्या करने की सेल डिवीजन स्टार्ट करवा देगी तो इस तरह से हैंड्स पे मैन ने प्रूव किया कि दिस इज अ न्यूक्लियस विच इज इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन प्रोसेस कि डेवलपमेंट के, के प्रोसेस में क्या चीज़ इन्वॉल्व है न्यूक्लियस इन्वॉल्व है जिधर न्यूक्लियस होगा उधर डेवलपमेंट होगी जिधर न्यूक्लियस नहीं होगा उधर डेवलपमेंट नहीं होगी अच्छा हैंड स्पे मैन के सम एक्सपेरिमेंट ऐसे भी जैसे देखा कि सम टाइम न्यूक्लियस तो दोनों तरफ मौजूद है लेकिन एक तरफ डेवलपमेंट प्रॉपर हो रही है एक तरफ डिवेल्पमेंट एबनॉर्मल हो रही है जब उसने गौर के तो ही नोटिस दैट द फर्टिलाइज एग हैव द ग्रे क्रिसेंट जब उसने उसको डिटेल में देखा उसने तो कहा कि एक्चुअली अच्छा ये ग्रे क्रिसेंट एक तरफ जा रहा है दूसरी तरफ ग्रे क्रिसेंट नहीं जा रहा तो जिस तरफ ग्रे क्रिसेंट जा रहा है वहाँ डिवेल्पमेंट हो रही है जबकि जिस तरफ ग्रे क्रिसेंट नहीं गया है वहाँ सेल डिवाइड तो कर रहे हैं लेकिन एबनॉर्मली डिवाइड कर रहे हैं तो इस तरह से उसने दो कंक्लूजन निकाले नंबर वन ही कंक्लूडेड दैट फॉर द डिवेलपमेंटल प्रोसेस न्यूक्लियस इज इसेंशियल न्यूक्लियस इसेंशियल है और फिर यह है कि जब न्यूक्लियस सिक्सटीन सेल स्टेज के ऊपर दूसरी तरफ गया था तो वो न्यूक्लियस जो है वो जो दूसरी साइड थी वो भी आस्ते था पूरे के पूरे एक नए लार्वी में डेवलप हो जाती है तो इसका मतलब है कि सिक्सटीन सेल स्टेज के ऊपर एक कैम्बर एक न्यूक्लियस दूसरी तरफ जाने से दूसरी तरफ भी एक एम्ब्रियो बन जाएगा और जो पंद्रह सेल्स इधर रह गए हैं वहां भी एक एम्ब्रियो जो है बन जाएगा तो इट मीन न्यूक्लियस कैरी ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो इस तरह से नंबर वन न्यूक्लियस इज इसशियल फॉर डिवेलपमेंटल प्रोसेस नंबर टू न्यूक्लियस कंटेन ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नंबर थ्री ग्रे क्रिसेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर डिवेलपमेंटल प्रोसेस डेवेलपमेंटल प्रोसेस में ग्रे क्रिसेंट का भी इंपॉर्टेंट जो है वो रोल मौजूद है तो इस तरह से ग्रे क्रिशन के बगैर जो है एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी